रहमतुल्लाहि व बरकातहू आई होप डूइंग फाइन सबको मेरा प्यार सलाम और मोहब्बत एंड आई होप अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मैंने आप सब लोगों से दुआ करवानी थी इस चीज़ की के, uh, जो है वो हमारा भाई जो है माशा मद्रार का एक बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा है ताहाजीम और उसे ब्रेन हैमरेज हो गया है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू के आप सब उसके लिए दुआ करें बहुत जवान उम्र थी उसकी एंड मेल्ला मेल्ला गिव हिम स्पीडी रिकवरी अल्लाह ताला उसको जल्दी सेहतियाब करें बड़ी खिदमत है उसकी हमारे अदारे के लिए भी और दीन के लिए भी और दूसरा मेरा यहाँ एक और आप लोगों से इस बारे में बात करनी थी कि ये जो क्लैरिटी है ना जिंदगी में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंसान के पास ना क्लेरिटी हो उसने जिंदगी में करना क्या है और इवन दीन के रस्ते पे भी चलने के बाद उसके बाद उसके पास ही क्लैरिटी हो कि उसने ज़िंदगी के अंदर आ किस तरीके से लाइनअप करना है अपनी चीज़ों को तो अक्सर लोग वन दे वॉन्ट टू स्टार्ट रिलीजन इज़ एंड जब वो चाह रहे होते हैं कि uh, वो समझें कि हमने किस बात को लेना है और किस तरह चलना है तो दे डोंट नॉर्मली नो कि हम क्या करें और अगर ये जो ऑर्डर है ना लर्निंग का इसके बारे में मायशा से दीका का एक कॉल है रदी अल्लाह के अगर हम पर सबसे पहले uh, हराम हलाल नाजिल हो जाता तो सोसाइटी के लिए उसको छोड़ना मुश्किल होता द मेकिन सोसाइटी मगर पहले ही हराम हलाल आ जाता लेकिन जो पहली चीज़ नाजिल हुई फ़ी हा ज़िक्रजन्नति वनारसोरम फसल तफसील के साथ सूरतें थी एंड उसके अंदर ना ह्यूमन साइकोलॉजी को एड्रेस किया गया था और साथ साथ एक अकीदे की एक बेस एक आइडियोलॉजी की बेस बनाई गई थी साबत अलूब अलार अबीहा इस तक कि जब तक के दिल साबित क़दम हो गए ना एंड लोगों को समझ में आना शुरू हो गई कि जन्नत क्या है जहन्नम क्या है नज़ल हराम वल हलाल तो फिर आया सब्जेक्टिवली सारा हराम हलाल आया सारी बेस आई तो अब जो पहली सूरत नाजिल हुई थी वो तो अकरा बसम रबिक खलक था लेकिन क़ुरानिक ऑर्डर के अंदर सूर फ़ातह सबसे पहले अब सूर फातह में बसमिल्ल रहीम से अगर कर शुरू करें तो बा का मतलब है साथ इसम का मतलब नाम अल्लाह का मतलब अल्लाह रहमान का मतलब रहमान रहीम का मतलब मेहरबान ये शुरू करता हूँ जो फ़ेल है ना आबदा उबदा या नबदा या हो न हो मैं पढ़ता हूँ या मैं शुरू करता हूँ ये तो वर भी नहीं है यहाँ पर तो इसी तरीके से आ, तो स्टार्ट के अंदर भी इतनी गहराई है कि वर भी मौजूद नहीं है पहली वो सूरत थी ये क्यों आ गई इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तूर फातिया के अंदर एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन भी बताया मगर उसको कैसे ढूंढना है शरीयत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से अपनी लाइफ में इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक एकेडमिक एक इल्मी डिस्कोर्स से गुजरे अभी मैं माशाल्लाह से के पी के पशावर के टूर पे ही था और उससे पहले मैंने एक लाइव किया था मद्रार से ही और मैंने उस सब में आप लोगों को कहा था कि आप लोग सफ़ा का कोर्स ज्वाइन करें ये दो साल का एक स्टार्टिंग आलिम कोर्स है जिसमें आपको एक बड़ा फ्रेमवर्क बना के दे दिया जाएगा और आपको पता होगा कि पिक एंड चूज़ नहीं करना मगर एक ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डरली फैशन के अंदर हमने तालीम हासिल करनी है तो चीज़ें जो है ना वो अपनी अपनी जगहों पे आके बैठना शुरू हो जाएंगी तो एक जगह के ऊपर अगर आ रहा होता है कि भाई एक जगह एक आयत आ रही होती है उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आ जाती है साथ दूसरी आयत में वही कॉन्टेक्स्ट और वही कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ी कंडीशन के साथ आ रहा होता है तो कैसे इसको हम मिला के समझेंगे सूर्य असर से पहले वलसर की शर्त क्यों आई कसम क्यों आई फिर इनसाना इन्ना क्यों आया फी पे लाम क्यों आया ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ना कि अल्लाह ताला की मुराद क्या है अल्लाह ताला की मुराद तर्जुमे में मिल सकती है लेकिन जो एक डायरेक्ट एक्सेस डेप्थ के साथ होता है ना वो इल्म के साथ आएगा आपको और उसके लिए आपको मदारस और के पास ही जाना पड़ेगा उसके बगैर कोई हल नहीं है वो डेप्थ जो है ना सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आ सकती उसके लिए जाना पड़ेगा आपको स्कॉलर्स के पास उसके पास। उसके लिए आपको वो एक कोर्स पूरा करना पड़ेगा तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमने फैसले कर लिए हैं हमने अपनी जिंदगी में कदम रख लिए हैं हमने और हमने जो है वो फैसला कर लिया है कि अब हमने बढ़ना है आगे हमने दुनिया में भी कुछ अचीव करना है मगर हमने आखिरत के लिए भी कुछ अचीव करना और दुनिया में भी अचीव करने के लिए अगर आपके पास शरिया का प्रस्पेक्टिव सही नहीं है ना तो एंड में ये सारी मेहनत किस काम की मैं आज सब लोगों के बारे में एक बात ज़रूर करना चाहूँगा भाई इन्फ्लुंसर्स हैं बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं बड़े बड़े कोचेज हैं बड़े बड़े जो है वो कॉन्टेंट डिवेलपर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर इनसे पूछा जाए ना भाई तुम्हारे कॉन्टेंट से लोग हंसे भी हैं तुम्हारे कंटेंट पे लोगों को मज़ा भी आया होगा उनकी तफरी भी हुई होगी और तुम्हारे कंटेंट के ऊपर लोग जो हैं वो रोए भी होंगे तुम्हारे कंटेंट के साथ तुमने नाम भी कमाया काम भी कमाया क्या तुम अपने इस कंटेंट को आखिरत में ला जाके पेश कर सकते हो जो भी तुमने किया जो भी तुमने कंटेंट क्रिएशन किया है क्या तुम इसके साथ इस्लाम की वो शरीयत जिसके साथ अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था तुम अपने इस कंटेंट के साथ जिसमें म्यूज़िक भी हो जिसमें में नामहरम औरतें भी हों जिसमें गंदे मजाक भी हों अभी मैं नाम नहीं लूँगा किसी का मेरे सामने से गुज़रा एक जवान लड़का है इतनी उसको इतनी ज़्यादा उसको पज़ीराई मिल रही है और गालियाँ भी दे रहा है वो अपने कॉन्टेंट के अंदर और गलाजतें भी निकाल रहा है अपने कॉन्टेंट के अंदर और कोई सब्जेक्ट नहीं देख रहा बात करने पर तो कमा लिया तूने शोहरत तो कमा ली दुनिया में पैसा भी बना लिया होगा मोनेटाइज करके इस पर अगर किसी को लग जाए तो ये देख ले भाई हमारा कोई कंटेंट मोनेटाइज नहीं है ना ही हम पैसा कमाने के लिए सब करते हैं और ना ही के भूखे पॉइंट ये है कि भाई तू अपने इस कंटेंट को जो तू बना के आगे है सामने आखिरत में पेश कर सकता है अल्लाह के आगे अल्लाह के सामने जो तूने बातें कर दी हैं मशहूर होने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए या पैसा बनाने के लिए उस कंटेंट को अल्लाह के आगे रख सकता है तू जस्ट बेसिक क्वेश्चन अगर ये बात किसी इन्फ्लुएंसर तक भी जाती है तो वो सोचे हमने तो सुन अब अप, पॉइंट ये कि सुन लिया ना काफ़ी कुछ लेकिन सुकून नहीं मिलेगा इन चीज़ों से सुकून मिलता है उस लाइन ऑफ एक्शन से उस कॉज के लिए काम करने से जो आपकी ज़ात से बड़ा हो और वो इल्म है और इल्म के साथ ही वो सुकून और सरेनिटी आती है इसलिए सब बातें छोड़ें और जज्बातीत से बाहर निकलें प्रिंसिपल लाइफ में कदम रखने के लिए सफा का कोर्स आ रहा है अलमिद्रार की तरफ से आलिम का कोर्स है और वो ज़माना नहीं है आप जिधर जो है ना मुश्किल असलाहत मुश्किल टर्म्स और मतलब वैसे तो देखा जाए तो हमने बाहर की यूनिवर्सिटियों में जा के उनका सब कुछ अपना लिया मुश्किल तरीन टर्म्स में घुस गए मुझसे तो आज तक ये अपना मतलब फ़ोन नहीं इस्तेमाल होता सही तरीके से लेकिन लोग ऐसे मैंने देखा आजकल बच्चे हर टर्म्स में घुस जाते हैं गूगल खोल के सीख लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं इतनी मुश्किल ऐप्स चलाना सीख लेते हैं कोडिंग सीख लेते हैं ये इंजीनियर जो हैं आपके सॉफ्टवेयर में कोडिंग आती है कोडिंग देख लें अजाब में चला जाएगा आदमी इतनी मुश्किल है तो जब इस्लाम जब शरीयत की असलाहत और शरीयत की डेप्थ और रूह को और दुनिया के अंदर मुसलमानों को इस उरूज को लाने के कंटेंट की बात आती है वहाँ हमारे पास सौ बहाने हैं नहीं करने के वहाँ हमारे पास सौ बहाने हैं सो आई वॉन्ट यू ऑल के जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जन तक मेरी आवाज़ जा रही है और भाई इस एरिए को भी पूरा करना है आपने सोशल मीडिया या तो क्या के दिन हमारे खिलाफ बोल रहा होगा या हमारे हक़ में बोल रहा होगा हजरत तो लगा और हजरत अलग किया आपके अगेंस्ट ये एक दलील होगी या आपके लिए एक दलील होगी तो आपने इसको कैसे अचीव करना है इट मैटर्स तो अब तो हमने आपके लिए आसान कर दिया अब तो हमने आपके लिए सब आसान कर दिया हमने आपके लिए इतना इजी रिलैक्स कोर्सेज बना दिए हैं वीकेंड कोर्सेज बना दिए हैं हमने ऑनलाइन uh, कर दिया है रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती हैं तो भाई टेक टेक अ स्टार्ट ऑफ योर लाइफ और जाने कि अल्लाह ने हमें कहा क्या है मुराद क्या है अल्लाह की इतनी हदीसें हैं इतना बड़ा कुरान है तो वेन आर यू take टेक start ऑन दिस तो आई थिंक इट्स हाई टाइम अलमित्रार के फेसबुक से ही मैं लाइव हुआ हूँ पेज से यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारी टीम अभी आपको अप्रोच कर लेगी इन सफ़ा में रजिस्टर करें लाखों रुपया उड़ाते हो दुनिया के ऊपर इस कोर्स के ऊपर रजिस्टर करो जो छोटा मोटा पेमेंट कैज हैं वो करें और आप आए लाइनअप में आए और लम्हा से जुड़ें मैं भी उसमें एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें अकीदा और यू नो you know, क्रीड और आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए एक मुसलमान की वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड हर चीज़ इबादत है अगर वो एक नज़रिए के लिए की जाए तो वो नज़रिया अल्लाह है जो हदीस के अल्फाज हैं ना दुनिया मलून दुनिया पर लानत है अल्लाह की मलू ना तो माफी है और हर वो चीज़ जो इसके अंदर मौजूद है सिवाय उसके जो आ, कुरान पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है ये मैं समझिएगा कि जो है आ, मैं अपना यहाँ पर कोई आ, दीनी दीनी कोई अपना मंजन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ या मौलवी अपना काम कर रहे हैं, मैं आई एम डेफिनेटली सीरियस अबाउट माई कंट्री आई एम सीरियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री द फ्यूचर ऑफ आर नेशन द फ्यूचर ऑफ आर उमा न और हमें अपना पार्ट डालना है उसके अंदर ऐसे थोड़ी हम ही काम कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं लेकिन हमसे तो पूछा गया ना फत्ता कुल्ला हम अस्ता तुम अपनी इस्तात के तहत तुमने अपने हल्के में कितना काम किया तुमने कितनी दावत और तबलीग को आम किया तुमने कितने उसूल और स्कॉलर्स तैयार यार किए और याद रखो थिंक टैंक बनना ना इस्लाम के लिए सबसे बहुत बड़ा जिहाद है क्योंकि उसने माशरे को लाइनअप करना होता है उसमे उस पिमिड के अंदर ना टॉप ऑफ द लाइन इल्म जो है ना वो रूल करता है उसके नीचे जितना भी कंटेंट क्रिएट हो रहा है ना सबसे हाईएस्ट कंटेंट आलिम तैयार कर सकता है तो सबसे पहली बात ये है कि ये ऊपर से लाइन अप होती है नीचे और इल्म जो इल्म के अंदर राशिक है तो सोसाइटी में हर बंदा का कुल्ली वफाउका कुल्लीज नलीम के तहत हम चाहते हैं हर बंदा सोसाइटी के अंदर जो है वो अपना इनपुट दे आलिम का टैग ना भी लगे लेकिन कुछ ना कुछ तो आता हो तो वो कुछ ना कुछ के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे आप तो आई थिंक ये सफ़ा का कोर्स जो आ रहा है उस वो ज़बरदस्त कोर्स है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आपको जूडे के असूल मिल जाएंगे हदीस क्या होती है अभी यहाँ पर लोग खड़े होते हैं कहते हैं हदीस कोई चीज़ ही नहीं है हदीस के इनकार हो जाते हैं मुनकर हो जाते क्यों भाई हदीस से क्यों इतनी पीड़ा लोगों को अजीब किस्म की हैं कोई कहता है भाई तारीख है ये कोई कहता है कि ये तीन सौ साल बाद लिखी गई है कोई कहता है जी कुरान जो है सिर्फ वही दीन है हदीस कोई वही नहीं है कोई आई नहीं ये खुद घट दी किसी ने तो कब आना है फील्ड के अंदर जानने के लिए कि हदीस जो है वहीं से तो पता चलता है ये ये कुरान है ये कुरान वही कुरान है जो अल्लाह के नबी में नाजिल हुआ ये पता ही हदीस से चलता है कुरान खुद कैसे कुरान बोल सकता है इसको क्योंकि तो उसमें तो सूरते आए थे सब सूरतें वगैरह सारे आगे पीछे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहाँ से मिलेगा फिर इतने मसले मसाइल हैं इतने मसले मसाइल हैं कि आप सोच नहीं सकते कि साबित करने के फिर कितने फितने एथीजम खड़ा हुआ है एग्नोस्टिसिज्म खड़ा हुआ है नेचरिज्म खड़ा हुआ है डेमोक्रेसी खड़ी हुई है अल्लाह की मुकाबले में हजारों लोगों ने अपनी बात कर दी अरिस्टोटल अपनी हा रहा है फिलासफी अपनी हाँ रही है।, हाँ है कब सीखना है इन सब का रद्द अब समझना भाई इस्लाम क्या है और बैंकिंग को जायज़ कर रहा है कोई बैठ के कोई लीजिंग हलाल कर रहा है बैठ के कोई जो है वो अभी ये हज़, किसी हजरत को मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने तरक्की सबसे ज़्यादा जिन दौरों में की उस दौर के अंदर जो है वो शराब सबसे ज़्यादा लीगलाइज थी या इस तरह के कोई अल्फाज किए थे या क्लब्स ऑन करते हैं पब्स ऑन करते हैं इस तरह की बातें लोग करते हैं कोई कहता है जी मेरा जिसम मेरी मर्जी है भाई ये सब बातों का तोड़ पहले इलमी सीखे ना एक आपकी रैशनैलिटी होती है एक आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है और एक आपकी टेक्निकलिटी होती है एक आपकी दलील होती है दूसरा आपका रूहानियत होती है और तीसरा आपका तदबीर होती है ये सब सिखाएगा ना आपको कि इनको डील कैसे करना है इनको जवाब कैसे देना है तो इस्लाम का दिफा किसने करना है औरिजिनल आइडियोलॉजी का दिफा किसने करना है तो भाई पॉइंट यहाँ पर ही हमने तो मोटिवेशनल की फील्ड में भी वो एक जगह पर हमारा जो चल गया वो इसलिए भी था कि भाई मान वहाँ जाके क्लेम करें ना कि तुम्हारे स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तुम्हारा कॉपरेट ट्रेनिंग और तुम्हारा ये लीडरशिप मॉडल्स वगैरह जितने भी खड़े हैं इस्लाम से बड़े थोड़ी हो सकते हैं इसलिए तो मैं मैंने इस फील्ड में जाके कोशिश की कि यहाँ पर हम मनवाएं भाई ये तुम क्या बाहर का कॉन्टेंट लेके आ रहे हो हमारे पास कम है लोगों को हौसला देने के लिए क्या अल्ला, अल्लाह अल्लाह का दीन काम है लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए तो ये सारी बातों को लेके इल्म पढ़ें मयूर भही खेरा यू फ़िके फिर दीन अल्लाह ताला कहता है जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है ना उसको दीन दे देता है अपना फ़िक देता है उसको डैप देता है कि फ़िका का इलम देता है उसको कि क्या उसूल हैं किस बुनियाद के ऊपर हर चीज़ हराम होती है किस बुनियाद के ऊपर चीज़ हलाल होती है हमें कुछ आइडिया नहीं है कोई बात हल्की सी कर देता है कोई फ़लाशा सदीका ऱीना पे बात कर देता है कोई कहीं कर देता है सीखना कब है तो सोचो यार कभी अल्लाह कभी इस दुनिया में मौका हो कि तुम्हें दिफा करना पड़ जाए और तुम्हारे पास असला ही नहीं है दीन इलमी असला ही नहीं है बात करने का तो कैसे मुकाबला करोगे दूसरा अपना भी तो लाइनअप होना चाहिए कि तो भाई मुझे शैतान के वसपत से आएंगे तो वसपा से फाइट पहले इल्म से करेगा ना आदमी फिर डिजायर से अटैक करता है वो कहीं मैं अकीदे में शकश्बाद में तो ना पड़ जाऊँ कहीं मैं नज़रिए के लिहाज से इस्लामी लिहाज से तो शकशबाद में ना पड़ जाऊँ अभी मैं पिछले दिनों कुछ दिनों के लिए दुबई गया हुआ था अपने किसी काम से तो वहाँ पर मैंने प्रोग्राम भी कर लिया वो तो बहुत है गुमराह करने के लिए तो बहुत कुछ बना दिया उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा आप और वेस्ट में जाएंगे और गुमराइए तो वहाँ पर आज़ादी के नाम पर तो खुला ऑप्शन है ना कि भाई आपने जो करना करें खुल के करें कोई टेंशन ही नहीं है तो भाई जब इलमी बेस स्ट्रांग नहीं होगी जब स्कॉलिस्टिक बेस स्ट्रांग नहीं होगी ये जो क्लास ये जो स्कूलों में दीनियात पढ़ाई जाती है ना इसके बाद पता नहीं बेस होती है नहीं होती लेकिन यही चीज़ लोगों को सॉल्व नहीं है कि भाई आप देख लें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में जो शुरू करता करताओं का फेल है ना ये नहीं पता वर्ब कहाँ इसमें अब दऊ कहा कहें वर्ड ही नहीं है इसमें अरबिक नहीं सीखी हमने हमने दूसरों की ज़ुबानों पे कर लिया है सारी ज़िंदगी मैं ख़ुद अपनी बात करता हूँ एक वक्त के अंदर अंग्रेज़ी के पीछे लगा दिया मैं तो स्टेटस सिंबल बना दिया अंग्रेज़ी को उर्दू ज़ुबान की कोई कदर नहीं है अरबी जुबान की कोई कदर नहीं है अपनी अपनी अपने शयार की कोई कदर नहीं है हवाएँ चली वहाँ चला गया हवाएँ चली गई वहाँ चला गया तो हमारे लोग जो मेन स्ट्रीम और फ्रंट एंड्स पे काम कर रहे हैं दुनिया में किसी भी सेक्टर के हों डोंट यू थिंक दे शुड बी इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज और अगर वो किसी रूलर के पास रूलर्स के पास भी हैं गवर्नेंस के साथ भी हैं डोंट यू थिंक दे शुड बी इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज हलियस्तिन व इल्म वाला और गैर इल्म वाला बराबर कैसे हो सकता है अल्लाह कुरान में कहता था तो वो इल्म कौन सा है वो इल्म कौन सा है और दूसरी बात है हम अपनी हुकूमतों के ऊपर लान तान कर रहे होते हैं भाई हम खुद ऐसे हैं तो हमें ऐसे हुकूमतें मिली हुई है ना हम ठीक नहीं हैं तो हमें ठीक लोग नहीं मिले ना तो अल्लाह का कायदा है जैसी कौम होगी वैसे उसको रूलर मिलेगा कौम ने मेहनत करनी नहीं है कौम वर्किंग कर रही है एक ऐसे कॉन्टेंट के पीछे एक इसके पीछे इसमें पजीराए मिल जाए पैसे मिल जाए तो अगर ये मार्सडे की वैल्यूज़ हो चुकी हैं भाई कि पैसा दौलत और जल्दी फेम जल्दी ऊपर आना शोहरत और दिनों के अंदर जो है मैं चमक जाऊँ वग़ैरह मेहनत करके चमकने से हम उसके मुनकर नहीं हैं लेकिन सारी जिंदगी की ऊंचाई के बाद सर्व किस चीज़ को किया किस कॉज को किया ये तो सवाल बनता है मेरी जितनी भी शोहरत है ये सारी बातें ना करना लोग समझेंगे शायद मुनासिब हो मैं अभी भी बहुत सी कॉन्ट्रवर्सी डिस्कस नहीं करता आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम राइट नाउ लेकिन अगर मशहूर होने के बाद भी अगर मैंने अल्लाह के दीन को सर्व नहीं करना तो क्या फायदा ऐसी इसी शहरत का क्या फायदा ये कहने के लिए ये दुनिया मच्छर का पर है वालाओ कानत दुनिया जना है बहुसा दिस इज दस्कीटो विंग असल है आखरत नारी फ़कत फास उसके लिए मैंटली जो आपको माइंड सेट जो है ना वो इलमी माइंड सेट चाहिए हदीस का इलम चाहिए तफसीर का काम चाहिए और उसके बाद जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि फतवा कैसे निकलता है कैसे एक आलिम का माइंड सेट चलता है क्या पता हम वो ज़रिया बन जाएं जिसके साथ आपकी अपनी एक और जर्नी चले जाए तो ये मेरा आज का मैसेज था आप सब लोगों को कि कम बैक एंडा में रजिस्टर कराएं नित्रार का ये कोर्स है और ये मेरे ख़्याल से टू डेज़ या थ्री डेज ए वीक है और दो तीन घंटे की रोज़ क्लास होती है इसमें रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं मैं भी पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ और भी अच्छे लड़के और मेरे शकीरत भी हैं और भी हैं जिसमें पढ़ा रहे हैं और ये है कि चलो नेकी तो मिलेगी मिलेगी ना और इसके अलावा भी जो है वो एक माइंड मिलेगा का, आपको काम करने का जदीद दौर में कैसे काम करना है येस एस एन चीमा वी डू ऑफर डिस्काउंट्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स लोग क्या कहेंगे इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई करते हैं मैं क्या कह रहा हूं वो तो सुन लोग क्या कहेंगे इसके बारे में टेंशन है मैं क्या कह रहा हूं वो तो सुन मेरे भाई मैं दहवत दे रहा हूं तुझे अपनी जिंदगी लोग क्या कहेंगे ये भी दीन सिखा देगा कि किसकी बात तो किस को कान देना है किसको नहीं देना लोग क्या कहेंगे इसके बारे में टेंशन कम ले ये बात मैं सोच कि मैंने अपनी आखिरत के लिए क्या करना है मैंने दुनिया में अपने इल्म से क्या सीखा और ये स्पैम करना बंद कर दो क्वेश्चन मलिक हमजा लाहौर में ताला बीस तारीख के बाद आऊंगा लाहौर को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मिलने वाला है मेरे ख्याल से पच्चीस या छब्बीस को मुल्तान को भी एक प्रोग्राम मिलने वाला है अब्दुल भाई जजाक अल्लाह खैर इस कमेंट के लिए संजीदा और बा मकसद कम ही हूं अल्लाह भी कहता है अल्लाह खलीला कम ही थे जो संजीदा भी थे और कुछ करना चाहते थे लेकिन अल्लाह कम इन कलीला कलीन को गलब फ़ियातन कसीरा बड़े बड़े फ़लसफों पर गालब कर देता है ये तो अल्लाह का काम है हमने तो बीज डालने हैं सर अपने लेकिन इल पढ़े लोग आप तो इकबालियत के बड़े माहिर हैं जितना आपने मेरे साथ मेरी मुलाकात हुई थी आए इस तरफ आए ना अमामा इकबाल ने जिन बड़े बुजुर्गों से सारी चीज़ें उठाई थी वो समझे ना इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम मुनीफा इमाम ताउस इमाम हसन नसरी इमाम शातबी इमाम इबन कसीर इमाम तहमी रे वो लोग थे जिनसे जो है एक्सट्रैक्ट्स किए हैं लोगों ने जो काम कर गए दुनिया के अंदर बड़ा बड़ा तो सबको मेरा बस यही एक मैसेज है कि सफा के कोर्स में आएं और इसको ज्वाइन करें और अपनी जिंदगियों के अंदर अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपना डिवाइन मैथ्स जो एक और बात बता दूं मैं ये दुनिया की मैथ्स के साथ नहीं मिलता अल्लाह की मैथ्स है एक डिवाइन लॉजिक जिसे कहते हैं तो दुनिया की मैथ्स जो है ना ऊंट बांधने की वो तब उसमें बरकत आती है जब अल्लाह की मैथ्स ऊपर से डिवाइन मैथ्स माफौल फितरत मैथ्स इंसान की हेल्प करे तो मेरे ख्याल से आज जो है उसके लिए इल्म पढ़े कुरान हदीस पढ़ें कहीं भी खड़ा हो कुरान खोले उसको समझ आ रहा हो जालिगल फौजल कबीर जाली गल के अल्फ्लाम के साथ नाउन आए तो उसे क्या कहते हैं वी शुड नो द दरबिक लैंग्वेज वी शुड नो द दलूब वी शुड नो द हदीस वी शुड नो द कुरान और जिंदगी में आज नहीं तो बूढ़े हो गए तो करना ही करना है ना तो अभी टाइम क्यों जाया कर रहे हो हाँ, साइंस के रिलेटेड होगा मैं जब अकीदा पढ़ाऊंगा इलाके ना तो उसमें ये सारा साइंस को किस तरह लेके चलना है और साइंस पर हमारा रिलीजियस डॉगमा क्या है रिलीजियस आर्ग्यूमेंट क्या है वो हम जरूर बताएंगे उसके अंदर हमारे बच्चों को पता होना चाहिए भाई कि तो कोई जादू जादूगर आके इन सबको बैफिल ना कर दे शुड नो कि दुनिया के अंदर हमारी क्या सोच है हम कहाँ हिल नहीं सकते और कहाँ हम सोचेंगे भी तो हमारे उसूल क्या हैं सोचने के हल्की फुल्की चिकनी चुपड़ी बातें करके जो है ना हमें गुमराह कर नहीं किया जा सकता इसलिए पढ़ना पड़ेगा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है आ, वलीद वलीद रज़ा बासी कोई मसला नहीं वो तो मेरी टीम इनशा तला आप लोगों को कोशिश करेगी स्कॉलरशिप्स देने की या किस्तों पे या जो भी हो लेकिन मैं तो दावत देने आऊँ पढ़ने आऊँ यार ये तो फाइनेंशियल मामले तो टीम देखती है हमारा हाउस देखता है मगर आई थिंक कोशिश करें कदम बढ़ाएं आगे आएं और इसको ज्वाइन करें और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके रिव्यूज़ हैं अगर सफा के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं मैं तो वो अपने रिव्यूज दें भाई लोगों को मैं कराची में ही हूं जुबैर अली भाई कराची में ही था कराची में ही होता हूं शादी से पहले भाईजान बीवी को रोकने वाला जो आप सवाल कर रहे हैं वो अपने बाप की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है अभी वो जब वो आपकी जिम्मेदारी में आएगी तो फिर आप उसे टोक सकते हैं ना अभी आपकी बीवी थोड़ी हुई है जबरदस्त हैदर ग्रेट न्यूज़ हम आईमा अरबा से मीज़ानशाह सबको मानते हैं और बहुत हार्ड कोर मानते हैं हम सारे इमामों को अच्छा खासा सख्त अंदाज में मानते हैं हम सारे इमाम और चार नहीं चार हजार भी है ना सारे इमामों को मानते हैं जवाब दे दिया मैंने मीज़ानशाह हम सारेमा की तहकीक को रिस्पेक्ट करते हैं फिकुल व्यू भी मैं पढ़ा रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर को और अकीदा तोहहीद पढ़ा रहा हूँ कासिम शफकत तरार अगर आप नहीं पे कर सकते कोई मसले की बात नहीं आप उनको बोलें वो कम कर देंगे लेकिन ये हमको पैसे कमाने के लिए थोड़ी करते हैं कोर्सेस अभी तो हमारे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है हम चाहते हैं जक़ातों से आजाद हो इतने इतने पचास पचास साठ साठ लोग काम कर रहे हैं बड़े बड़े इस पढ़ा रहे हैं उसके अंदर तो उलमाओं की क्यों नहीं तनख्वाह हो अच्छी वाई शुड इन द स्कॉलर भी पेड इन इन अ गुड न्यू इन अ गुड गुड अमाउंट ऑफ हैंडसम मनी इसलिए तो हमने उसमें पैसे रखे हैं क्योंकि हम लोगों से सकार लेके नहीं दारा चलाना चाहते हम चाहते हैं हमारे अपना कोर्सेज हो हमारे उसी से फंड जनरेट हो और उसी से इदारा चले उसी से इदारा ग्रो भी करें बल्कि मेदरार तो इतना वेलफेयर का, का काम करता है तो वो भी इसी सोच के साथ करता है कि हम लगाने वाला दारा बने जजाकल्ला बंगश मैं सफा का स्टूडेंट हूँ काफ़ी खिड़कियाँ खोल दी हैं उसाद जी आपने और बहुत दरवाज़े जो खुलना बाकी है चलो कोशिश करो अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे इसमें निदान शाह मैंने जवाब दे दिया आपकी बात का पीछे अजमत चौधरी में सबको जिसका सवाल जिसका सामने आ रहा है कमेंट में सबका जवाब दे रहा हूँ बालदेन और बच्चों की सोच के तजाद के अंदर भाईजान जान को कायल करना बंद करें काम करें वो खुद ही कायल हो जाएंगे स्टॉप योर पेरेंट्स जस्ट डू आऊंगा सर सूफीज अगर से मुराद नफ्स है मन को पाक करना है अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है तो इस तसवुफ़ के कौन ख़िलाफ़ वो तस्वुफ़ जिसके अंदर एक उस्ताद और एक शिगिर्द और एक पीर और रहबर जो है उसके साथ जो ताल्लुक़ गैर शरी अंदाज़ में कायम किया रहा जाता है जिसके अंदर कुछ सिलसिले हैं जो तो उसके ऊपर काफ़ी कंडमनेशन भी हुई भी है मगर अगर कोई सिलसिला अल्लाह के साथ जोड़ने का है अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने का है और उस ताल्लुक को क़रन सना से साबित किया जा सकता है और उसके अंदर ये कमरे बंद करके लाइटें बंद करके मुराकबे कराने वाले जो सिलसिले नहीं है और अगर उसमें आजकल वो इलेक्ट्रिक मोलवी भी, भी मैंने देखा है वो पकड़ता है और लोगों को ये वजह तारी हो जाता है ये कौन सा दीन है इसका हमारे दीन से क्या ताल्लुक है तो हर तो तसव्फ़ का वो माना जो तस्किया नफ्स के मद में लिया जाएगा तो इसमें तो बड़े बड़े आए हैं जिन्होंने काम किया मगर तसव्फ़ की वो शिक जो बिदात से भरी हुई है और बिल्कुल ही अन प्रेसिडेंटेड एक्ट्स के साथ भरी हुई है तो इसको आप कैसे इस्लाम से जोड़ सकते हैं ताजाजी मैं आपके आप बताएं मैं आपको जवाब दे रहा हूं अनस् जावेद गोंदल मैंने जवाब दे दिया इस पर या आगे ना अजमत चौधरी का जवाब वाला मौलवी शाबाश शहजाद आपको और तरक्की दे तो शुरुआत अरबिक से थोड़ी होगी खावर मलिक शुरुआत तो हम इंग्लिश उर्दू के मिक्स और ब्लेंड के साथ कराएंगे ना वहाँ पे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा ना फिर फ्रेमवर्क के साथ अंदर जाएंगे सही डायरेक्शन का इंतब मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा जी मुझी बोला इसका जवाब इन शाल आप मेरी वीडियोस देखें खुद ही मिल जाएगा आपको उसमें स्वैम ना करें आपका सवाल पहुंच गया मुझसे मुबशर राशि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की फ़रमाए अल्लाह मुबारकी वाफिज़ का कोर्स है ये जो है अल्लाह आपका भला करे उन्नीसवा बैच है बीसवा बैच शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से दस साल हो गए इसको इस आलिम के कोर्स पर को। अब तो बहुत लोगों ने पढ़ा इस्ता किया मुल्तान इंशाल्लाह मेरे ख्याल से पच्चीस या चौबीस को मेरे ख्याल से प्रोग्राम होगा भाईजान दो से तीन घंटे की वर्कशॉप का पाँच हज़ार रुपये पर अगर कोई बंदा यहाँ पर कह रहा है अभी लोग लो यहाँ पर भाई चार चार लाख रुपए देते हैं एक घंटे को ट्रेनर्स के मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं तो फ्री में कितना अभी पूरा टूर मैंने फ्री में किया है पूरा के -पी का पूरा कश्मीर का अपने पैसों पर अपने डीजल पर अपनी गाड़ियाँ सारा कुछ अपना के बल्कि हॉल्स भी कितने हॉल्स होते हैं जिनके पैसे हम खुद दे देते हैं पॉइंट यहाँ पर यह भाई दुनिया की तालीम के पीछे इतना पैसा लगा सकते हो तो भाई दीन सीखने के लिए क्यों नहीं दे सकता अब इसके बाद अगर ये वाली बात आती है भाई ये तो फीस अभी लेला काम है तो भाई ठीक है फीस अभी काम है तो भाई स्टेट को बोलो सपोर्ट करे स्टेट भी सपोर्ट ना करे सुबाई हुकूमत भी सपोर्ट ना करे ठीक है और जो है अल्लाह आपका भला करे हम ज़कात से भी आजाद हों लोगों के आगे ना झुके तो हेलो तो कैसे सरवाइव करेंगे फिर दीनी इंस्टीट्यूशंस हमारी मेहमान नवाजी अगर पेशावर वालों को लगता है उन्होंने सही नहीं की मुझे तो लगता है ठीक है भाई हम तो अल्लाह के नौकर है, खादे में उम्मत के काम करने वाले लोग हैं कर जाएंगे इन शाला कोई मसला नहीं मेरा कोई गिला नहीं है हमने तो काम करना है लोगों को हिम्मत दिलानी है आगे लेके आना है उनकी जिंदगियों के गम खत्म करने हैं उनको सही डायरेक्शन देने की कोशिश करनी है गिलगित का प्रोग्राम इनशा तल एक दो महीने में बन जाएगा इन शीज जजाकल्ला जमाल खान फ्राम बंगलादेश ये जो सियालकोट वाले इंसिडेंट पे मैंने अपने शेखातफ अहमद के पेज के ऊपर से बहुत सख्त कंडेमनेशन की थी जिस दिन मेरा बाघ कश्मीर के अंदर प्रोग्राम था मैंने अच्छा खासा इसके ऊपर कंडेम किया मतलब जालत की इंतहा इन लोगों की जालत की इंतहा एक्सप्लोर मैंने आपसे कहना भाई दीन हो इल्म होता तो ये काम इस तरह से नहीं होता ना ये हमारी आवाम को हमारे लोगों को दीनदार हलका या दीन के नाम पर जो ये ठेकेदार बैठे हैं ये एक्सप्लोइ करते हैं इसी बेसिस पर होंगे इलम नहीं है ना जज्बातीत बिकती है जजबाती तकरीर है पाकिस्तान का हमेशा से खासा रहा है इधर से इधर से एक्साइट करो यहाँ मरने मारने के लिए तैयार हो जाए उसमें देखना नहीं है मुल्क की सतह कौमी कौमी सेंटिटी इधर उधर की पिवट स्टेट के मसले मुल्क भाड़ में जाए लोग भाड़ में जाए, रेपोटेशन भाड़ में जाए उसके माइंड सेट से एक चीज़ के ऊपर उसने लख लिया ना उसने कवायद फ़िक देखनी है ना उसने कुलियात शरी देखनी है ना उसने जज्त देखनी है ना उसने खैर शेर का मुजन किया चलो भाई सब छोड़ो बम फोड़ो काट दो मर जाओ और इस तरीके से लाला ला मुझे पता तो केस की पूरी मुझे संगीनी का पता नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया लेकिन कानून गए फिर फिर तो भाई मेरे अपने इतने गुस्से हैं मेरे अपने इतने बदले हैं भी निकले है रोडों के ऊपर क्या तो सबर का दरस था आप सल्ला वसलम का अब्दुल्ला देशमुख बस करते करते चीज़ें सही हो जाती हैं छोटा छोटा चीज़ डालते डालते ना बहुत चेंज आ जाता है ज़िंदगी के अंदर तो वन मिनट वन इंच चेंज लाएंगे ना वो गोल्फ़ की बॉल होती है ना उसको तो आप हिट लगाए ना एक इंच का फ़र्क अगर हो गया ना गोल्फ़ ने जहाँ हिट किया वो फिर जहाँ पे बॉल को यहाँ हिट किया है कि एक इंच का फर्क यहाँ होगा वो माइल्स यार्ड का फ़र्क हो जाएगा छोटा छोटा चेंज ज़िंदगी में ना बड़ी बड़ी चीज़ें मैनेज करा देता है अस्सलाम सब वो लोग जो मुझे सलाम भेज रहे हैं सबको प्यार मोहब्बत यस यू कैन अंडरस्टैंड कुरान आफ्टर जॉइनिंग द कोर्स दर्स जजाकान कासमी मेरी बायोग्राफी कब पब्लिश होनी है मेरी बायोग्राफी की जरूरत क्या है मैंने कौन से तीर मारे हैं जिंदगी के अंदर लव फ्रॉम नारोवाल माई रिस्पेक्ट टू दारोवाल एज वेल शिकार का सीजन आ गया यूरोप की तरफ इंशाल्लाह माइंड बनाएंगे अभी जरा घर भी देखना है मसाइल भी देखने और जो काम कर रहा हूँ अपने अखलास के साथ करने की पूरी कोशिश है शायद इकबाल इनशा अब हम साउथ केपी के अंदर के जरूर करेंगे प्रोग्राम अगली दफा बस आप लोगों को मैंने फिर से Uh, इस बात की तलकिन करनी है कि टेक टेक एक्डेमिक जर्नी ऑफ योर लाइफ और uh, सफा का कोर्स ज्वाइन करें ना भी समझ में आए नीकियाँ हैं माइंड सेट बनेगा और जो है आपको समझ में आएंगी कि किस तरह शरीय चलती है अल्लाह के नबी ने, ने कितनी मेहनत की है माइंड तैयार करने के लिए और सबसे लीडरशिप का रोल उसी को मिलेगा जो इल्म में मजबूत होगा इल्म कमज़ोर होगा तो वो लीडर नहीं बन सकता और शरी इल्म के बगैर तो क्या वैसे भी नहीं मिल सकती सो इफ यू यू ऑल लीडरशिप इन लाइफ, नीड टू इस्लामिक नॉलेज और अब सफा का कोर्स आ चुका है ऑनलाइन बीसवा बैच है वीकेंड के ऊपर कोर्सेज हैं कबीर अहमद है, मैं सही हूँ मैं पिशावर से खुश हूँ राजी हूँ मुझे कोई इशू नहीं है इंटलेक्चुअल लोगों को यही कहना है कि इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना वो वैसे नॉलेजबल डाउट्स से नहीं मरते उन्हें डिजायर मार देती हैं तो इंटेलेक्चुअल लोगों को मेरी यही नसीहत है अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल रखें क्योंकि इलमी लिहाज से आपको गिराना मुश्किल है शैतान के लिए एक अक्लमंद फ़हीम और फ़कीर आदमी को शैतान डिजायर से मारता है चकवाल ज़रूर आएंगे जी मुदसर हयात बे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा तो मेरे ख्याल से अब इस लाइव पॉडकास्ट लाइव ब्रॉडकास्ट को खत्म करने का वक्त भी आता है आप सब लोगों से दरख्वास्त भी है और आपको नसीहत भी है कहीं से भी पढ़ें लेकिन हमारा हम किसी हम मुतासिब नहीं है कि एक इंसान कहीं से भी इल्म पढ़े कहीं से भी इल्म हासिल मिले ले लेना चाहिए लेकिन मंजे वे उस्ताद होने चाहिए वहाँ पर और उन्हें पता हो कि जो चौदह सौ साल से इल्म की लेगेसी चलती आ रही है वो कैसी है तो आप लोग सारे सफ़ा का कोर्स आ रहा है आलम का कोर्स है स्टार्टअप है बहुत ज़बरदस्त लाइन एक्शन है इसके अंदर और आ, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो सम वेरी न्यू थिंग्स लाइक पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा सोचने का एक नया विजन एक नया मिशन मिलेगा लाइफ के अंदर एंड इन शाला कई सुनी बात में जो गलतियाँ थीं वो सब मेरी थी जो हक बयान किया वो कल भी अल्लाह का था अल्लाह के लोगों का था कौम का था दीन का था इसी का ही रहेगा अल्लाह ताला हमें हमारी सारी मेहनतों को दीन की बालादस्ती और सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करने की तोफ़ीकता फरमाया थैंक यू जी जजाकल्ला खैर